हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। एमएड करने के बाद आप कौन से सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। किसी भी प्रकार से चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो दिस साइड योर होस्ट, योर मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें, प्रिया सिग्रोहा। देखिए, एमएड करने के बाद आप नेट में, पर्टिकुलरली देखिए, एमएड में आपने एजुकेशन में मास्टर्स की है, राइट? सो आप यहाँ पे नेट भी क्वालिफाई करेंगे एजुकेशन सब्जेक्ट का, राइट? आपने जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स की होती है उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं नेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, राइट? सो एमएड करने के बाद आप अप्लाई करेंगे नेट इन एजुकेशन के लिए। ये एक अलग से कैटेगरी रहती है नेट एजुकेशन की, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। लेवल वन का पेपर तो सभी के लिए सेम होता है एंड सेकेंड लेवल का आपका पर्टिकुलरली सब्जेक्ट बेस्ड होता है, राइट? वहाँ पे आपके इसी सब्जेक्ट से बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप नेट एग्ज़ाम के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली पूछिएगा। उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाकर या कमेंट सेक्शन में ही डिस्कस करके हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को सॉल्व ज़रूर करेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नेट एग्जामिनेशंस की अपने प्रिपरेशंस को अप रखें और प्रिपेयर करते रहें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।